जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल MLV स्टडी में। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन होता है तो उसके लिए ट्रांजेक्शन के लिए ट्रांजेक्शन एम्पलीट्यूड किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो अगर उसके लिए अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ट्रांजेक्शन की, तो ये देखिए कि ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, कि जो अपने पास एम्पलीट्यूड आया था उसका अपन स्क्वायर कर देंगे 4 होल स्पेस। ठीक, चलो। तो इस वीडियो में आज अपन पढ़ने वाले हैं कि अगर हमने जो पर्टरबेशन लगाया था किसी सिस्टम के ऊपर, अगर वो पर्टरबेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट से समझते हैं कि नहीं समझते, चलो समझते हैं। तो अगर कांस्टेंट पर्टरबेशन है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई टाइम के ऊपर उसका हैमिल्टोनियन डिपेंड नहीं करेगा, सही है ना। अगर पर्टरबेशन कांस्टेंट है भाई, कॉन्स्टेंट है, तो टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो भाई बहुत इजी हो गया तब तो हमारे लिए प्राप्त करना, है ना। तो देखो यही कुछ अपन काम कर रहे हैं कि हमने यहाँ लिखा है कि भाई फॉर कॉन्स्टेंट पर्टरबेशन एट टी इक्वल टू जीरो टाइम पर, हमने टी इक्वल टू जीरो टाइम पर पर्टरबेशन लगाया, तो ये टी ग्रेटर देन जीरो पर ये कॉन्स्टेंट होगा, है ना। सही बात है कि भाई टाइम कितना भी आगे बढ़ो ना, भाई पर्टरबेशन तो कॉन्स्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो जो हैमिल्टोनियन है वो भी टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, चलो। तो ये देखिए हमने यहाँ पर्टरबेशन लगाया है, ये देखिए फिर पी के, ये के स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी हमने लिखी है, इसी को यहाँ लिखा है। तो अगर हमारा जो हैमिल्टोनियन है टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया, बोलो भाई क्या दिक्कत है ना। तो ये जो एच डैश के एन है, इसको अपन ने इंटीग्रेशन से बाहर बिठा दिया। ठीक, चलो। अब क्या किया कि इसका अपन ने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, जीरो ई टू द पावर आयोटा ओमेगा के एन टी डी टी, तो जो टी का मल्टीप्लेक्शन है वही यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइड में। ठीक, चलो ये हो गया। फिर जीरो टू टी, लिमिट क्या है, जीरो टू टी, तो अगर हम जीरो टू टी लिमिट लगाएंगे, तो अगर टी पुट करेंगे तो ये पूरा ये का ही आने वाला है, और जीरो लगाएंगे तो ई टू दी पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। ठीक, यहाँ हमने एक स्टेप मिस किया है, तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ आगे की स्टेप में क्या लिख सकते हो, ई टू दी पावर में ये पूरा जो भी है -1 अपॉन आयोटा ओमेगा के एन। ठीक है, चलो। अब क्या किया हमने कि ई टू दी पावर आयोटा ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, ये चीज अपन ने कॉमन ली यहां से, ठीक है। तो इसका हाफ पावर रह गया फिर भी अंदर, ठीक है, और यहाँ वन रह गया था, तो वन रह गया था, तो यहाँ पर ई टू द पावर आयोटा ओमेगा के एन डिवाइड बाय 2 ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है कि नहीं है, चलो। अब हमें बताया कि भाई साइन थीटा बराबर ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाय 2 होता है। तो अगर इसको हमने साइन थीटा बनाना है, तो 2 से गुणा कर दो और 2 से भाग दे दो, ये लो भाई कर लिया इतना काम। चलो, तो फिर क्या हो गया कि ये चीज तो 4 और ये के एन का स्क्वायर हो गया और नीचे एच का स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलो। अब क्या कर रहे हैं कि भाई ये तो पूरा ये जो चीज है ये वाली, ये क्या है, साइन थीटा बनने वाला है, तो यहां पर थीटा क्या भी आयोटा के एन डिवाइड बाय 2, ये क्या है, आयोटा के एन डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया ये साइन स्क्वायर, यहां पर ये आएगा कि साइन स्क्वायर के ओमेगा के एन टी डिवाइड बाय 2 आएगा। ठीक है, और ये जो ई टू द पावर आयोटा, ये अपने पास यहां फिर यू का यू आ जाएगा, ई टू द पावर आयोटा के एन टी डिवाइड बाई 2, इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो। फिर अब अपना आगे करते हैं, तो आगे आप देखेंगे कि ये आयोटा ओमेगा के एन टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो अगर इस वाली फंक्शन का अपन स्क्वायर करेंगे, यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है ध्यान रखना, क्योंकि ये अगर इस ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये स्क्वायर लेके आया, और ये जो पूरा आइटम है वो अपने पास साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी बाई 2 ओमेगा के एन बन गया। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है।
फिर अपन क्या करते हैं कि अगर ये अपन इस टर्म का स्क्वायर करेंगे ना, इस वाली टर्म का, इस वाली टर्म का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वन आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आयोटा है। फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, है ना, तो माइनस और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टर्म का अपने पास वैल्यू वन आने वाला है। चलो फिर इसको अपन हटा देते हैं, तो ये पूरा और एच कट स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा यहां तुम एक चीज देखो कि ये जो टू है ना, इसके साथ में है साइन स्क्वायर के साथ में, और बाकी नीचे ये ओमेगा के एम चल रहा है, ये ओमेगा के एम, और ये आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, और माइनस है तो फिर अपन ने मोड ले गए इसके, तो माइनस फिर प्लस हो गया, तो ये हो गया। इसके बाद अपना टर्म ये आ गया, ठीक है। चलो अब अपन ये देखना चाह रहे हैं कि भाई जो अपनी पीक है किसकी, प्रोबेबिलिटी की, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर उसको निकालना है तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि देखो अपन एक कर्व बनाते हैं, ये हो गया अपने पास, ठीक है, और ये ओमेगा के एम है, ठीक है। ओमेगा के एम क्या है, एनर्जी बिटवीन के और एम स्टेट के बीच की, है ना, एनर्जी बिटवीन के एंड एम स्टेट, और के स्टेट अपनी फाइनल स्टेट थी, एन सॉरी एन ये, और एन अपनी इनिशियल स्टेट थी, ठीक है। अब देखिए कि अगर इस अपन क्या कर रहे हैं, अब साइन स्क्वायर ओमेगा के एन टी, और इसको किसके बीच में खींच रहे ग्राफ, ये साइन स्क्वायर ओमेगा के एन टी डिवाइड बाई टी अपॉन ओमेगा स्क्वायर के एम, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हो कि ये जो पीक है, पीके है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी स्क्वायर बाई फोर के, ये पीक है ना, यहाँ पीक लिखो, ये जो पीक है किसकी, इस प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, टी स्क्वायर बाई फोर के ऊपर, ठीक है। तो अब ये देखिए कि इसको अपन अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, और उसके बाद ये बिल्कुल हार्मोनिक होगी, है ना, इसके बाद ये धीरे धीरे डैम्प हो जाएगी। तो यह यहाँ अपने पास क्या है, ये बीच में यहाँ पर जीरो है ओमेगा के एम का वैल्यू, और उसके बाद अपने पास क्या है, टू पाई बाई टी, ये हो गया फोर पाई बाई टी, और फिर ये हो गया माइनस टू पाई बाई टी, और इधर ये हो गया माइनस फोर पाई बाई टी। तो इस ग्राफ से आपको क्या पता लगता है कि तुम्हारी जो मैक्सिमम पीक है किसकी, प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कब होगी, देखो तो वो कहाँ होगी, जब ये ओमेगा के एम का वैल्यू जीरो है, क्या है भाई, ओमेगा के एन सॉरी ओमेगा के एन का वैल्यू जीरो है। अब बताओ भाई ओमेगा के एन का वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो कि ओमेगा के माइनस ओमेगा एन बराबर, अपने क्या पढ़ा था कि भाई ई इक्वस टू एच कट ओमेगा, और इस ओमेगा का वैल्यू के एन माइनस ओमेगा के माइनस ओमेगा एन। तो भाई अगर ओमेगा के एन को जीरो बनाना है तो सीधी सी बात है एनर्जी जीरो होगी, यहां इसको ये जीरो होगा, और ये हो गया ओमेगा के माइनस ओमेगा एन, ये एच कट जीरो हो जाएगा, तो ओमेगा के इक्वल टू ओमेगा एन, ये लो भाई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है वो तभी मैक्सिमम होगी जब हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एनर्जी सेम होगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या है कि जब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एनर्जी सेम होती है तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होता है। इतना समझ में आ गया ना, ठीक है, इस ग्राफ को आप बना लीजिए और यहां तक आप कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ट्रांजिशन रेट क्या होती है ना, तो अगले सेशन में देखते हैं इसको। हाँ तो अब अपन क्या पढ़ेंगे कि ट्रांजेक्शन रेट क्या होती है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजेक्शन रेट क्या होती है कि प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम में जितनी प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने की, तो उसी चीज को अपन क्या कहेंगे कि ट्रांजेक्शन
प्रोबेबिलिटी, ठीक। चलो तो वो चीज फाइंड करने से पहले अपन क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं, है ना। पी एंड इनिशियल स्विप फाइनल स्टेट में, तो बेसिकली इसको अपन एक एसिम्प्टोटिक रिलेशन जानते हैं हम कि लिमिट टी टेंड टू इन्फिनिटी और साइन स्क्वायर वाई टी अपॉन पाई वाई स्क्वायर टी इक्वल टू डेल वाई, ये एसिम्प्टोटिक रिलेशन होता है। उसको अपन इस प्रकार से डेल वाई डेल्टा फंक्शन के रूप में अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने पास फंक्शन क्या है, ये वाला साइन स्क्वायर के एन डिवाइड बाई टू, और नीचे भी वाई स्क्वायर चाहिए तो वाई स्क्वायर के लिए ओमेगा के एन है ये, तो ओमेगा के एन तो यहां से ले लिया और ये फोर को यहाँ नीचे लिख दिया, तो अपने पास वाई स्क्वायर बन गया, ठीक। अब क्या चाहिए, पाई चाहिए नीचे, तो यहाँ पाई से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो इस चीज को अगर अपन सोल्व करेंगे तो पाई, और ये इक्वेशन क्या कहती है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये पाई टी डेल, और इसके बाद ये डेल, ये वाई वाला फंक्शन आ गया, ठीक है भाई। चलो अब अपन क्या करते हैं कि इस डेल के एन डिवाइड बाय टू को फाइंड आउट करते हैं। तो अगर इसको अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये टू एच कट डेल, टू एच कट डेल्टा फंक्शन ऑफ एच कट ओमेगा के एन आएगा, ठीक है। और इस ओमेगा के एन को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, हाँ, एच कट ओमेगा क्या होता है, एच कट ओमेगा ई होता है, और ई कौन सी एनर्जी है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की एनर्जी का डिफरेंस, तो ई के माइनस ई एन, तो इस एच कट ओमेगा की जगह अपने ई के माइनस ए एन लिख दिया, ये देखिए, और ये टू पाई एच कट और ये टी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब अपने ये लिख लिया, इस चीज को अपन यहां पुट करते हैं ये वाले पूरे स्टेप में, इधर ये वाला काम आ गया था अपने, ठीक है। तो इस वाले की जगह अपन ने ये लिख दिया और नीचे एच कट स्क्वायर ये आ गया, और ये फोर यहाँ काम आ गया था तो अब नहीं लिखना है, और इसको अपन ने क्या लिख दिया, ब्रैकेट फॉर्म में लिख दिया मैट्रिक्स को वापस ब्रैकेट फॉर्म में। तो ये एन है, सॉरी और कहीं मेरे से अगर मिस्टेक हो गई हो ना, जहां एम लिख दिया हो मैंने तो आप एन मानना, है ना, गलती हो जाती है। चलो ये एन है, बाकी सब ठीक है। चलो तो ये स्क्वायर हो गया, ये इस प्रकार से ये एच कट से एच कट कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया टू पाई टी एच कट स्क्वायर, और ये पूरा यहाँ और ये यहाँ, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाने की, कब, जब पोटेंशियल या फिर हैमिल्टोनियन क्या था, कॉन्स्टेंट था, पर्टर्बेशन हमने लगाया लेकिन वो कॉन्स्टेंट है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक। अगर अपने को ट्रांजेक्शन रेट निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे कि ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, तो उसको अपन डिनोट करते हैं गामा ऑफ इनिशियल टू फाइनल स्टेट, यानी अपनी एन टू के स्टेट, और पर यूनिट टाइम मतलब टी का भाग देना है तो टी से यहाँ डिवाइड बाय कर देंगे, तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो नॉर्मली हमारे पास ट्रांजेक्शन प्रोबेबिलिटी ये आ गई, ठीक है भाई। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।